अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के मुतालिक। आज 31 मई 2021 और सोमवार का दिन है। पिछले 24 घंटों में 1041 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और 11 वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान में कोरोना से वफात पाने वालों की कुल तादाद 2345 है, जबकि कोरोना केसेस की कुल तादाद 217,224 है और सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 1,99,960 है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 104 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की कुल तादाद 808 है, जबकि 247 मरीज अभी तक आईसीयू में है। दुआ करें अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफाए कामिल अता फरमाए और जो लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, वाकिन को सब्र जमील अता करे। इसके अलावा दोस्तों जो मेन चीज़ है, जो खबर जिसका हम इंतजार कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, वीज़े कब ओपन होंगे, फ्लाइटें आने की जो है वो कब इजाज़त दी जाएगी, तो इसके मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आज 31 मई भी गुजर गया, कल तक जो है होपफुली, क्योंकि ज़्यादातर अफवाहें जो हैं वो जून की हैं, सो लेट्स सी के जून में जो है कब अनाउंसमेंट होती है, कब जो है ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से केसेज में इजाफा हो रहा है, मौत में इजाफा हो रहा है, सो वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो सही या गलत हो सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी या अफवाहें जो थी वो पहले हफ्ते की थी, फ्लाइटें जो है वीजे जो पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह खैर, बाकी जैसे कोई खबर आती है इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।